फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनपीएस कैलकुलेशन के बारे में। टैली प्राइम के अंदर एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो एक गवर्नमेंट द्वारा आयोजित लो कॉस्ट रिटायरमेंट सॉल्यूशन है, जहां 18 से 65 साल के सारे इंडियन एनपीएस स्कीम को चुन सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे एम्प्लॉय हो। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये मैंडेटरी हो जाता है एम्प्लॉय के लिए कि वो एनपीएस स्कीम मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम को चुने। अभी इसका क्या फॉर्मूला है? तो भाई, नेशनल पेंशन स्कीम का जो फॉर्मूला है, वहां पे एम्प्लॉय का डिडक्शन जो होता है वो 10% होता है बेसिक प्लस डीए के अमाउंट का हर महीने, जबकि हर महीने एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए होता है। यहां एम्प्लॉय साइड बेनिफिट ये होता है कि एटीसी में इनकम टैक्स में एम्प्लॉय को इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट ये होता है कि वो जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है एम्प्लॉयर साइड का, वो उसको बिजनेस का एक्सपेंस दिखा सकता है और उससे बेनिफिट ले सकता है अपने अपने इनकम टैक्स में। मतलब कि एम्प्लॉयर साइड खुद इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकता है। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे टैली प्राइम में, आइए बिना समय गवाए देखते हैं कैसे होता है। देखो, यहां पे सबसे पहले आपको एनपीएस का दो पेहेड बनाना होगा, पहला एम्प्लॉय साइड का और दूसरा एम्प्लॉयर साइड का। तो पेहेड बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन को चुनना है। यहां पे चले आना है आपको पे हेड्स में। यहां पे चलो बनाते हैं एनपीएस एम्प्लॉय एट द रेट 10%। ये जो है, ये चूंकि डिडक्शन है एम्प्लॉय का, स्टैच्यू डिडक्शन है, तो यहां पे आपको पे हेड टाइप में चुनना है एम्प्लॉयज स्टैच्यू डिडक्शंस। ऐसा चुनने के बाद अभी देखो, यहां पे एनपीएस का दो ऑप्शन आ रहा है, एनपीएस टायर वन और एनपीएस टायर टू। यहां पे ये जो बेनिफिट है, अगर आप इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हो एटीसी के अंदर, तो आपको चुनना होगा एनपीएस टायर वन, ये तो चुनना ही है। अगर आप कुछ वैसा भी एनपीएस में कुछ एक्स्ट्रा मनी आप कटवा रहे हो, डिडक्ट करवा रहे हो, जो जिसके ऊपर आप एटीसी में नहीं चाहते हो कि वो उसका आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि आपने ऑलरेडी बेनिफिट टायर वन का ले रखा है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आप अगर चाहते हो डिडक्ट करवाना, तो उस केस में ये टायर टू में भी आप चाहो तो डिडक्ट करवा सकते हो। तो चलो, यहाँ पे मैं तो एनपीएस टायर वन चुन रहा हूँ, क्योंकि ये जो 10% जो डिडक्ट होगा एम्प्लॉय से, बेनिफिट मिलना चाहिए इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे आपको जो पे टाइप है उसमें एनपीएस टायर वन चुन लेना है। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, यहाँ पे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस चला जाएगा, नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा। ये देखो, एज कंप्यूटेड वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया, ये बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। तो यहां पे आपको ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला चुनना है कंप्यूट सेक्शन में, और यहां पे ऐड कर लेना पे हेड बेसिक को, साथ ही साथ डीए को, एंड ऑफ लिस्ट चुनना है। अब ये जो है, आप स्लैब में स्लैब टाइप परसेंटेज कितना परसेंट है भाई, तो ये 10% होगा। तो ये इंप्लॉय साइड का एनपीएस हो गया 10% डिडक्शन। सिमिलरली आपको एनपीएस बनाना होगा एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर साइड का, ये जो है ये भी 10% ही होगा, ये चला जाएगा एम्प्लॉयर स्टैचुरी कंट्रीब्यूशंस में। चूंकि यहां पे एम्प्लॉयर जो है वो हर एक एम्प्लॉय के लिए के सैलरी में कंट्रीब्यूट कर रहा है 10% ऑफ बेसिक एंड बेसिक प्लस डीए। ये चला जाएगा ईपीएस एनपीएस स्कीम टायर वन में, नेशनल पेंशन स्कीम टायर वन में। ये जो है कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये नेट सैलरी को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका जो कंप्यूटेड वैल्यू होगा वो भी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला होगा, बेसिक प्लस डीए का 10%, सेम परसेंटेज होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये दो पेहेड बना लिया एनपीएस का, जैसा कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था कि एनपीएस में एम्प्लॉय के डिडक्शन का एक पेहेड बनेगा जो 10% होगा बेसिक प्लस डीए का, और एक बनेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो 10% होगा बेसिक प्लस डीए का। अब सैलरी डिफाइन करना होगा, जिसके लिए आपको अल्टर में आना है। यहां पे देखो, ऑप्शन नीचे में आ रहा है डिफाइन सैलरी,
यहाँ पे मेरे पास तीन इंप्लॉय है, तो मैंने चलो ये फरदीन अख्तर को मैंने चुना। यहाँ पे मैंने ऐड करना है आपको एनपीएस इंप्लॉय साइड का 10% प्लस एनपीएस इंप्लॉयर साइड का 10%, कंट्रोल ए। इसी तरह से बाकी सारे इंप्लॉय में भी आपको ये दोनों पेहेड ऐड कर लेना है। फाइनली जब सारा ये पेहेड सारे इंप्लॉय के लिए दो पेहेड ऐड हो जाए, तो अब आपको पेरोल में इसकी एंट्री करनी है। तो आपको पेरोल में एंट्री करने के लिए वाउचर्स में आना है। अभी मैं आप लोगों को पेजअप करके दिखा देता हूं कि मैंने ऑलरेडी अटेंडेंस बना रखा है 31 मई को। अगर आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं बनाया होगा तो आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद एंट्री करने के लिए आपको यहां से F10 अदर वाउचर्स पे क्लिक करना है, यहां से पेरोल ऑप्शन को चुनना है, इंटरप्रेस करना है। यहां से कंट्रोल F ऑटोफिल के लिए, पहले आप पेरोल ऑटोफिल चुनो। यहां पे देखो अभी सबसे पहली जो एंट्री है वो सैलरी पेरोल की होगी, अभी एनपीएस कंट्रीब्यूशन की एंट्री मैं नहीं कर रहा हूं, इसके बाद मैं दिखाता हूं। अब ये 1 मई 2022 से 31 मई 2022 की एंट्री हो रही है या जिस भी महीने की एंट्री हो वो आपको दे देना है। ऑल आइटम्स चुनना है, एम्प्लॉय नेम, और यहां पे सैलरी पेबल चुन के इंटरप्रेस करना है। अब देखो यहां पे फरदीन अख्तर का एनपीएस 10% जो है वो डिडक्ट हो गया, सोहन के लिए भी वैसे ही डिडक्ट हो गया, जैद के लिए वैसे ही डिडक्ट हो गया, एंड सो ऑन। ये तो हो गई आपकी सैलरी की एंट्री। अब कैसे आप एनपीएस की एंट्री करोगे, तो देखो अगेन आपको पेरोल ही चुनना है। अगर कोई और वाउचर चुना हुआ होगा तो फिर से पेरोल चुन लेना, और फिर से यहां पे कंट्रोल एफ प्रेस करना है पेरोल ऑटोफिल के लिए। अभी पेरोल ऑटोफिल यहां चुनना है। अभी यहां पे आपको एनपीएस कंट्रीब्यूशन की एंट्री चुकी करनी है, तो आपको चुनना है एनपीएस कंट्रीब्यूशन, चूंकि सैलरी की एंट्री आपने कर रखी है। इससे पहले मैंने बताया था इसी ढंग से पीएफ कंट्रीब्यूशन का भी और ईएसआई कंट्रीब्यूशन का भी, तो इस दफा एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, सेम मंथ होगा। ऑल आइटम्स, एम्प्लॉय नेम, यहां पे आपको एनपीएस पेबल एक बनाना होगा लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, इंटरप्रेस किया। अब यहां पे मैं बना लेता हूं एनपीएस पेबल, जो यहां पे पेड टाइप नॉट एप्लीकेबल, ये चला जाएगा करंट लायबिलिटी में, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो देखो यहां पे ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है फरदीन के लिए, ये अमाउंट 695 रुपया 48 पैसा, सोहन के लिए 609 रुपया 68 पैसा, जैद के लिए 272 रुपया 90 पैसा, जो कि एक्चुअली 10% है बेसिक प्लस डीए का। चलो इसे भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से आप लोगों ने पेहेड बना लिया एनपीएस का, चाहे वो एम्प्लॉय साइड का पेहेड हो या एम्प्लॉयर साइड का पेहेड हो। फिर आपने डिफाइन कर ली सैलरी, और उसके बाद आपने सैलरी का भी पेरोल की एंट्री कर ली और एनपीएस की भी एंट्री कर ली कंट्रीब्यूशन के लिए। अभी रिपोर्ट देखना है, तो आपको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे आना है। और यहाँ देखो अगर आप यहाँ स्टैच्यू रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करते हो, तो देखो यहाँ नीचे ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम, इसको सेलेक्ट करके आपको इंटरप्रेस करना है। यहाँ पे अगर आप देखो सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन डिटेल्स ऑल आइटम्स, तो यहाँ देखो ये एक पीआर अकाउंट नंबर है। एक्चुअली ये अकाउंट नंबर इंप्लॉय को तब मिलता है जब वो एनपीएस स्कीम को सेलेक्ट करता है, ऑप्ट करता है। पीआर अकाउंट का नंबर का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे सब्सक्राइबर नेम में इंप्लॉय का नाम आ रहा है। यहाँ पे देखो इंप्लायर्स कंट्रीब्यूशन अमाउंट यहाँ दिख रहा है। इंप्लायर्स मतलब जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। और सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन टायर वन में, मतलब कि इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ दिख रहा है। टायर टू में तो मैंने बनाया ही नहीं है, क्योंकि टायर टू में अगर आप चाहो तो कटवा सकते हो, लेकिन वो क्या होगा, उसमें आपको इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने टायर वन में किया है वैसे ही आप टायर टू के लिए अलग से पेहेड बना लेना, यहाँ पे उसका भी डिडक्शन आ जाएगा, लेकिन उसकी बेनिफिट आप लोगों को इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर मैं यहां से बाहर आऊं, देखो एनपीएस समरे, ये एनपीएस समरे में आपको नेशनल पेंशन स्कीम स्कीम का जो है एम्प्लॉय स्टैच्यू डिडक्शन दिख रहा है, एम्प्लॉयर का भी दिख रहा है। अभी आप चाहो तो यहां से एफ टू करके एक पर्टिकुलर डेट ऑफ रेंज डाल सकते हो कि भाई 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का, या 31 मार्च 2000 अगर डेटा अवेलेबल हो तो आप 2025 तक का भी देख सकते हो। ये टोटल डिडक्शन एंड टोटल कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी टैली प्राइम के अंदर
बहुत आसानी से एनपीएस की एंट्री कर सकोगे, जहां पे आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि एनपीएस जो है वो डिडक्ट होता है एम्प्लॉय साइड से, प्लस कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और दोनों का जो परसेंटेज है वो सेम है, 10% है। लेकिन याद रखना है किसका 10% है, तो बेसिक प्लस डीए का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।